नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ सानिसा। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रायपुर की पहली खबर के साथ। आपको बता दें, सीएम भूपेश बघेल का कांकेर दौरा है। आपको बता रहे हैं, अंबागढ़ चौकी में अधिकारियों की लेंगे बैठक। आपको बता दें, अंबागढ़ को विकास की सौगात भी देंगे सीएम। भानुप्रतापपुर में कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन में होंगे शामिल। सीएम भूपेश बघेल का कांकेर दौरा, अंबागढ़ चौकी में अधिकारियों की बैठक लेंगे। अंबागढ़ को विकास की सौगात देंगे सीएम भूपेश बघेल। भानुप्रतापपुर में कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन में भी शामिल होंगे। बात करेंगे नदीम मेमन से, इस विषय पर और अधिक जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता रायपुर। जी नदीम, जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल का कांकेर दौरा है, अंबागढ़ चौकी में अधिकारियों की बैठक भी लेंगे और साथ में कई सौगातें भी देंगे अंबागढ़ को, क्या अधिक जानकारी इस खबर पर? जी देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जो है अंबागढ़ मोहला मानपुर अंबागढ़ जिले के अंबागढ़ चौकी में जो है वो आज अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेंगे। यहाँ पर जो है 10 बजे जो है वो अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेंगे और उस समीक्षा बैठक में सरकार की कार्य योजना, सरकार के जो काम है उसकी समीक्षा करेंगे। साथ ही उस क्षेत्र के में किस तरह से प्रशासनिक कानूनी रूप से जो है काम किया जा रहा है, क्या हाल है कानून का, इसकी समीक्षा जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करने वाले हैं। लगातार शिकायत जो है वो मिल रही है, उसका निराकरण वहां पर करने वाले हैं अधिकारियों को। यहाँ पर टाइट जो है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो करने वाले हैं, क्योंकि समीक्षा बैठक जो है उसमें तमाम तरह के कार्यों की समीक्षा होनी है, प्रशासनिक रूप से हो, अकादमिक रूप से हो, शासन के नजर पे जिन योजनाओं का कार्य किया जा रहा है उसका कितना इम्प्लीमेंट वहां हो रहा है, कितना प्रभावशील है वहां, और किन योजनाओं पर काम करना चाहिए, किन योजनाओं पर काम अधिकारी नहीं कर पा रहे हैं, इसकी समीक्षा आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए 10 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अंबागढ़ चौकी में अधिकारियों की समीक्षा बैठक करेंगे। उसके बाद जो है वहां विभिन्न विकास कार्यों की योजना की सौगात अंबागढ़ चौकी की जनता को जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देने वाले हैं। उसके बाद लगभग 11:30 बजे वो वहां से रवाना होकर के हेलीकॉप्टर से जो है वो कांकेर जिले पहुंचेंगे। कांकेर में जो है कांग्रेस प्रत्याशी मोहन मंडावी की पत्नी को कांग्रेस ने टिकट दिया है, उनके नामांकन जो है सावित्री मंडावी के नामांकन में जो है वो शामिल होंगे। आज नामांकन का आखिरी दिन है और दोनों दलों के लोग जो है वो अपना अपना नामांकन आज दाखिल करेंगे। कांग्रेस जहां आज रोड शो के बाद जो है नामांकन दाखिल करेंगे तो उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो शामिल होंगे। कांग्रेस कहीं ना कहीं इस जो है सीट को बचाने में जो है वो की कवायद यहां पर कर रही है, तो एक मेगा रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस यहां पर करेगी, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित तमाम दिग्गज कांग्रेसी जो है आज मौजूद रहेंगे। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का मानपुर जिला, मानपुर मोहल्ला अंबागढ़ चौकी जिला के साथ ही आज कांकेर जिले के दौरे में जो है मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। जी नदीम, जिस तरह से आपने बताया कि अब अंबागढ़ को विकास की सौगात भी देंगे, साथ में उनकी निगाह है सावित्री मंडावी को जो टिकट मिलने वाला है उस सीट पर भी है, और कांग्रेस चाहेगी कि वो सीट कांग्रेस के खाते में आए, और किस तरह का माहौल है अभी वहां पर अगर जो चुनाव की बात करें तो? ठीक है, आपको बता रहे, विधानसभा उपाध्यक्ष रहे कांग्रेस विधायक मनोज मंडावी के निधन के बाद कांग्रेस के भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए उनकी पत्नी सावित्री मंडावी को उम्मीदवार कांग्रेस ने बनाया है। टिकट की घोषणा बुधवार को कर दी गई है और साफ हो गया कि भानु प्रताप में कांग्रेस भाजपा के कांग्रेस से जहां सावित्री मंडावी मैदान पे होगी वही बीजेपी के ब्रह्मानंद नेताम जो है के बीच सीधा मुकाबला होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी यहाँ चुनाव
लड़ने से पीछे हट गई है और जो कि कांग्रेस ने सावित्री मंडावी का समर्थन दे दिया है। तो जो है वहां माहौल जो है वो चुनावी माहौल हो चुका है। आज नामांकन का आखिरी तारीख है सानिसा, तो दोनों दलों के जो दावेदार है वो यहाँ पर जो है आज नामांकन दाखिल करेंगे। अगर हम अभी तक के मतलब भारत प्रताप विधानसभा चुनाव के अगर हम रिजल्ट की बात देखें तो यहाँ पर 2 बार कांग्रेस और 2 बार जो है बीजेपी की जो है कब्जा रहा है। 2003 में ब्रह्मन नेताम जो है वो भाजपा के से यहाँ पर से विधायक थे। उसके बाद देवीलाल दुग्गा 2008 में विधायक बने, 2013 में मनोज मंडावी और 2018 में फिर दोबारा मनोज मंडावी यहाँ से कांग्रेस के जो है वो विधायक बने। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस सीट को बचाने की कवायद जो है वो यहाँ पर करेगी, तो बीजेपी इस सीट को कांग्रेस से छीनने की जो है वो यहाँ पर कवायद करेगी। तो चुनावी में माहौल हो चुका है, मंडावी और नेताम दोनों का आज नामांकन है, दोनों दलों के दिग्गजों का आज वहां पर जो है वो बसेरा होगा। दोनों दलों के दिग्गज जो है वो शक्ति प्रदर्शन के जरिए जो है नामांकन दाखिल करेंगे और दोनों दल कहीं ना कहीं इस सीट को हासिल करने की कवायद में जो है वो जुट गए हैं। जी नदीम, बिल्कुल, जिस तरह से अंबागढ़ को विकास की सौगातें देंगे और अब पूरी निगाहें उस सीट पर लगी हुई हैं। आप बने रहिए अगली खबर पर भी हमारे साथ नदीम।